हेलो दोस्तों, टेक्निकल वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 3 मॉडल 6, जो कि आपको ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो आईटीआई का भी एग्ज़ाम देने वाले, इसी से सवाल आपका आने वाला है। सीवीटी जो एग्ज़ाम होने वाली है, ये आपका चैप्टर रहेगा मॉडल 6 से, और चैप्टर का नाम रहेगा सिंक्रोनस मोटर एंड एमजी सेट, मोटर जनरेटर सेट इसको बोलते हैं, एमजी सेट को। और इसी से आपका सीवीटी एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा, इसी पीडीएफ से पूछा जाता है। भारत स्किल का पीडीएफ है, नीमी का पीडीएफ है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल 6 सेमेस्टर 3। सेमेस्टर 3 और 4 आपका सेकेंड ईयर का होता है। देखिए, इसमें कुल यहाँ से ये सवाल स्टार्ट हुआ है आपका 278 से लेके आपका ये आपका इसमें लास्ट सवाल आपका 295 तक। इसको एक एक सवाल को हम लोग डील करेंगे और समझेंगे। अगर आप भी सीबीटी एग्ज़ाम, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देना है, तो इसको ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल यहाँ पे 278 से स्टार्ट हुआ है। ये पहला सवाल क्या कर रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कन्वर्टर, ये पूछ रहा है कि इस कन्वर्टर का क्या नाम है। देखो, यहाँ पर लगाया हुआ है SCR, ये इसको बोलते हैं सिरकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये बोल रहा है इसका नाम क्या, इसका नाम क्या। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। ओके, चलो आगे। नेक्स्ट सवाल आपका है, नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है कि कन्वर्टर का नाम क्या है। ये जो कन्वर्टर आपको दिख रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कन्वर्टर, ये जो कन्वर्टर आपको दिख रहा है, इस कन्वर्टर का क्या नाम है, ये नाम आपसे पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो रोटरी, रोटरी फॉर्म में है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रोटरी कन्वर्टर के नाम से जाना जाता है, रोटरी कन्वर्टर के नाम से जाना जाता है। सिर्फ देखिए, अभी आपके पास टाइम नहीं है, सीबीटी एग्ज़ाम आपका 10 से ही स्टार्ट है, समझ गया, अगले मंथ तक चलेगा 10 तक, तो इसको आप याद कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा ज़्यादा आपका स्कोरिंग। आप देखो, ये आपका जो ये 100 मार्क्स का पूछा जाएगा और 50 मार्क्स का आपका ES रहेगा, तो ये टेक्निकल जो रहेगा ना, जो थ्योरी से रहेगा, इसमें आपका 6 नंबर का AD इसी में आएगा और 6 नंबर का आपका WCS, मतलब 12, तो 50 में से 12 घटा देंगे आप, तो आपको पास 38 सवाल जो रहेगा आपका, इसी PDF से आपको पूछा जाएगा। और इस PDF को आप अच्छे से पढ़ लें तो आपका काम हो जाएगा, समझ गए, आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट सवाल कह रहा है आपसे कि सिंक्रोनस मोटर को ऑपरेशन के लिए DC आपूर्ति क्यों आवश्यक है। ये बोल रहा है कि वाई DC सप्लाई नेसेसरी फॉर द सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस मोटर को, तो DC हमको क्यों चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा D, रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। देखो, जब भी ये सिंक्रोनस मोटर, इसका नाम ही सिंक्रोनस मोटर, तो NS स्पीड पे घूमती है, 120 FYP। देखो, F से फ्रिक्वेंसी हो गया, ये हो गया सिंक्रोनस स्पीड, P से हो गया पोल, नंबर ऑफ पोल, और F से हो गया आपका फ्रिक्वेंसी, समझ गया। तो हमेशा ये क्या होता है कि कॉन्स्टेंट स्पीड से घूमता है और ये सिंक्रोनस स्पीड पे घूमता है, जो कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट स्पीड होता है। ओके, तो कोई नीमी का सवाल है, यहाँ पे देख सकते हो नीमी क्वेश्चन बैंक है आपका, और इसी से सवाल आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में आएगा 100%। अगर बोला जाए कि CVT जो एग्ज़ाम होती है, इसमें 100 के 100% आपको इसी से पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करते हैं, जो इन्वर्टर और रोटर, इन्वर्टर और देखो यहाँ पे लिखा है इन्वर्टर एंड कन्वर्टर दोनों के रूप में जो वर्क करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दोनों के रूप में जो वर्क करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस कन्वर्टर। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिंक्रोनस कन्वर्टर बोला जाता है। इसका PDF मैं इस वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम से, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को, इस PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, तो ये समझ गया ना, ये बोल रहा था, ये पिछला सवाल क्या बोल रहा था कि इन्वर्टर और कन्वर्टर मतलब दोनों का क्या करेगा, इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करेगा, तो सिंक्रोनस कन्वर्टर जो होता है दोनों के रूप में काम करता है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है, नेक्स्ट सवाल 282, देखो नेक्स्ट सवाल कह रहा है इन्वर्टर का कार्य क्या है। तो इन्वर्टर आप लोग जानते हो, इन्वर्टर सबके घर में भी लगा होता है, ये क्या काम करता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये क्या करता है कि DC को AC में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे ही आपके घर में लाइट चली जाती है, तो बैटरी जो
स्टोर करके रखती है पावर, वो क्या करता है कि डीसी के रूप में आपको डिलीवर करना स्टार्ट कर देती है, मतलब देना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा परिवर्तन उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। बोल रहा है कि बीच कन्वर्टिंग डिवाइस कैन बी ओवरलोडेड, ओवरलोड आप लोग कर सकते हैं। तो ये राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रेक्टिफायर यूनिट। मतलब कौन सा परिवर्तन उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है, तो इसको आप लोग ओवरलोड कर सकते हैं। रोटरी कन्वर्टर आप समझ ही रहे हो, फिर आपका मोटर जनरेटर सेट हो गया जिसमें मोटर जनरेटर दोनों रहेगा, तो ये सब नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, रेक्टिफायर यूनिट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है कि सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक की आवश्यकता क्यों होता है। मतलब उसको जब हम लोग रन कराते हैं तो एक्साइटर क्यों जरूरत होता है, एक्साइटर के रूप में उसको मतलब डीसी सप्लाई दिया जाता है, तो ये क्यों जरूरत होता है। और आप समझ लें कि सिंक्रोनस जो मशीन होती है उसको अल्टरनेटर और दोनों का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेम होता है। ओके, देखो अल्टरनेटर को सिंक्रोनस जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है, ये समझ लें। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, कि रन द मोटर एट द सिंक्रोनस स्पीड। हम लोग उसको एक्साइटेशन क्यों देते हैं, क्योंकि ए सिंक्रोनस स्पीड मतलब एनएस की स्पीड पे भी 120 FYP, जहाँ पे F क्या है फ्रिक्वेंसी है, NS क्या है सिंक्रोनस स्पीड है, और P क्या है नंबर ऑफ पोल उसमें कितना है। ओके चलो नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या आपसे कह रहा है, ये 285, किस एप्लीकेशन को केवल DC की आवश्यकता होती है। बोल रहा है कि बीच एप्लीकेशन रिक्वायर्ड ओनली DC, जिसमें हमको खाली DC की ज़रूरत पड़ेगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए इलेक्ट्रो प्लेटिंग जो हम लोग करते हैं उसमें हमको DC की आवश्यकता पड़ती है, उसमें हमको क्या DC की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका इलेक्ट्रो प्लेटिंग हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखो आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि दिष्टकारी डायोड में LED को कन्वर्ट के रूप में क्यों डाला जाता है। बोल रहा है कि वाई द LED आर अवॉइडेड एज द कन्वर्टर इन द रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर जो डायोड होता है उसमें LED को बोल रहा है, LED को कन्वर्ट्स के रूप में क्यों डाला जाता है। तो क्यों डाला जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है बाबू, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका पावर क्या होता है बहुत कम होता है, तो राइट आंसर आपका इसका बी हो जाएगा, वेरी लो पावर डिवाइस। ये जो आपका LED होता है ना, ये DC पे वर्क करता है, हम लोग के घरों में भी लगा हुआ है, 9 वाट का, 6 वाट का, 12 वाट का, 20 वाट का, इससे ऊपर भी आपको मिलेगा, जैसा हमको रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हम लोग लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वेरी लो पावर डिवाइस है इसलिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 287, ये क्या बोल रहा है कि सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। मतलब बीच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, बोल रहा है कि मेन एप्लीकेशन क्या है इसका, ये सिंक्रोनस मोटर का मेन एप्लीकेशन क्या है, ये आपसे पूछा है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पावर फैक्टर करेक्शन में इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर करते हैं, किसमें, पावर फैक्टर करेक्शन में, पावर फैक्टर करेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे आपका 288, ये क्या बोल रहा है कि मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। मतलब मोटर और जनरेटर मतलब MG जो सेट है, MG सेट का लाभ क्या है, ये आपसे पूछा है कि MG सेट का लाभ क्या है, MG सेट मतलब क्या क्या लाभ है। तो इसका राइट आंसर भी डी हो जाएगा, DC आउटपुट कैन बी इजीली कंट्रोल। देखो हम लोग क्या करते हैं, मोटर जनरेटर है, मान लो कि DC जनरेटर से आप DC जनरेट कर रहे हो, AC से आप AC अवेलेबल है तो AC से आप इसको घुमा रहे हो जनरेटर को। देखो जनरेटर में क्या चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी, मोटर में चाहिए इलेक्ट्रिकल, तो हमको DC प्राप्त करना है तो DC जनरेटर लगा देंगे। यहाँ पे लगा देंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक मोटर लगा देंगे जो क्या होगा AC से चलेगा, इससे कपलिंग कर देंगे हम लोग जनरेटर जो हमको DC देगा, तो क्या करेगा इस DC को हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। यही पूछ रहा है कि DC आउटपुट कैन बी इजीली, क्योंकि उसकी स्पीड को वेरी करके हम लोग इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 289, क्या पूछ रहा है, रोटरी कन्वर्टर के भाग X का नाम क्या है। देखो ऊपर में यहाँ पे डायग्राम दिया गया है और इसका नाम आपसे पूछा है, देखो यहाँ पे इसका नाम आपसे पूछा है कि EX का क्या नाम है, ये आपसे पूछा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फेज सप्लाई दिया गया है, यहाँ पे स्विच लगाया गया है, समझ गया, और ये बाकी आपका ये क्या है, ब्रश के थ्रू एक इसको में सप्लाई या स्लिप रिंग के थ्रू इसमें सप्लाई दिया जा रहा है, तो इसका नाम क्या है ये आपसे पूछा है, समझ गया, X के रूप में। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा,
कलेक्ट द डिलीवरेड डायरेक्ट करेंट। समझ गए? ए क्या है बाबू आपका कि यहाँ से क्या हो रहा है कि आपको डीसी मिल रहा है, समझ गए? क्या मिल रहा है आपको? डीसी मिल रहा है। तो कलेक्ट द डिलीवर डायरेक्ट करेंट, यहाँ पे वितरित धारा एकत्रित कर रहा है यहाँ पे। तो इसको आप लोग बोल सकते हो ये क्या कर रहा है, धारा को एकत्रित कर रहा है ब्रश के थ्रू, और इसको बोल सकते हो आप कम्यूटेटर है लगा हुआ, क्या करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है कम्यूटेटर। ओके चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे 290, 290 में क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे देख सकते हो 290 क्या कह रहा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डम्फर वाइंडिंग इन द सिंक्रोनस मोटर एट अ स्टार्टिंग। बोल रहा है कि स्टार्टिंग में डम्फर वाइंडिंग क्यों जरूरी, मतलब बोल रहा है कि शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डम्फर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, डम्फर वाइंडिंग लगाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या बोल रहा है कि एक नियत गति बनाए रखने के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करना ही, निर्माण करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक डम्फर वाइंडिंग लगा देते हैं, एक्स्ट्रा वाइंडिंग इसमें लगा देते हैं ताकि ये सेल्फ स्टार्ट हो। ऐसे हम लोग जानते हैं कि जितने भी सिंक्रोनस मोटर होते हैं बाबू ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होते। क्या होता है? नॉट सेल्फ स्टार्ट, नॉट सेल्फ स्टार्ट, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होते। जैसे भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करेगा तो वो भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होते, लेकिन थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करेगा तो वो सेल्फ स्टार्ट होते हैं। ओके, और थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होता है वो दो टाइप का होता है, स्लिप रिंग होता है, एक होता है स्क्वायर। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए आपसे कह रहा है 291 सवाल, क्या बोल रहा है कि वाई द सिंक्रोनस मोटर फेल टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड। बोल रहा है सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं चलता, मतलब कभी कभी नहीं चलता है, इसका कारण क्या है, मतलब एनएस स्पीड पे नहीं चल रहा है। एनएस बराबर 120 FYP, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इस पर क्यों नहीं चलता है, क्या कारण, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती है, इसका कारण क्या है आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ये इसमें क्या होता है कि अनसफिशियंट एक्साइटेशन इसमें हो जाता है, अपर्याप्त उत्तेजना हो जाता है इसमें, इसके कारण नहीं चलता है। समझ गए? अनसफिशियंट, जितना इसको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं चलेगा। समझ गए? देखो इसमें क्या होता है, इसके रोटर में क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग क्या होता है, उसको डीसी सप्लाई चाहिए तब वो एक्टिव होता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और इसके जो स्टेटर होता है बाबू उसमें हम लोग थ्री फेज सप्लाई देते हैं। समझ गया? तो ये एक्साइटेशन नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। तो आपका राइट आंसर ए हो गया। ओके नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखो आप यहीं पे दिया हुआ है 292, क्या बोला है कि सिंक्रोनस मोटर को, हाउ द सिंक्रोनस मोटर इज यूज एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर। बोल रहा है कि सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आपको चार दिख रहा होगा, कैसे इसका मतलब हम लोग प्रयोग करते हैं, मतलब कैसे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, बी हो जाएगा आपका, वायरिंग द रोटर एक्साइटेशन। तो आपका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, वायरिंग द रोटर एक्साइटेशन हम लोग करते हैं, तो हम लोग इसको एज ए कंडेंसर यूज करते हैं। देखो एज ए कंडेंसर यूज करने का मतलब हो गया कि ये क्या करेगा, ये पावर फैक्टर जो होती है ना, पावर फैक्टर का करेक्शन करेगा, जो पावर फैक्टर होती है उसका क्या करेगा, करेक्शन करने का काम करेगा, मतलब पावर फैक्टर। देखो पावर फैक्टर आपका होता है एक तो यूनिटी, जो आपका रेजिस्टिव लोड पे वर्क करेगा तो यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा, और एक होता है लैगिंग पावर फैक्टर होगा, मतलब जैसे ये क्या करेगा, इंडक्टिव लोड पे वर्क करेगा तो ये हो जाएगा, और एक होता है आपका लीडिंग। तो लीडिंग कब हो जाएगा, जब आपका ये कैपेसिटिव लोड पे चलेगा। तो जितने भी हमारे मोटर होते हैं उसमें लैगिंग पावर फैक्टर होता है बाबू, और जितना आप इनकंडेंशन लैंप, पहले जो 100 वाट का लैंप आता था पीला जैसा जलता था, वो सब बल्ब वगैरह यूज करेंगे तो रेजिस्टिव लोड हो जाएगा, कैपेसिटिव जहाँ पे कैपेसिटर वगैरह का फॉर्म रहेगा वहाँ पे। तो हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं बाबू, वायरिंग द रोटर एक्साइटेशन को वायरिंग करेंगे, तो एज ए इसको सिंक्रोनस कंडेंसर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो 293 एक सवाल है, क्या बोल रहा है कि तुल्यकालिक मोटर में डैम्फर वाइंडिंग का क्या कार्य है। देखो पहले भी ऐसा सवाल पूछा था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डैम्फर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मशीन, ये इसका कार्य क्या है, ये क्या करता है। तो इसका एक ही कार्य, इसको स्टार्ट करने का ये काम करता है डैम्फर वाइंडिंग, और तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर। क्या होता है कि सिंक्रोनस मोटर जितने भी होते हैं ना, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होते हैं, ये क्या होता है, ये नॉट सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है, इसको स्टार्ट करने के लिए अलग से इसमें कुछ करना पड़ता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अब देखो
92 सवाल। देखो ये क्या कह रहा है आपको, 294 बोल रहा है कि विच कन्वर्टर इज हैविंग हाई एफिशिएंसी। बोल रहा है कि कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होता है, मतलब एफिशिएंसी जिसको क्या रहेगा, एफिशिएंसी यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो एफिशिएंसी क्या जिसका हाई रहेगा मतलब उच्च रहेगा उसको क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एसीआर कन्वर्टर। ये मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो कन्वर्टर होता है बाबू, उसका क्या होता है, एफिशिएंसी उसका हाई होता है क्योंकि इसमें लॉस कम है। बाकी रोटरी में देखो मैकेनिकल का केस आ गया तो इसमें मैकेनिकल लॉस वगैरह ज़्यादा है तो इसलिए इसका एफिशिएंसी कम होगा, लेकिन ज़्यादा सबसे ज़्यादा हाई होता है आपका एसीआर कन्वर्टर का। ओके चलो नेक्स्ट, ये लास्ट सवाल है इसका, इसका लास्ट सवाल है। देखो 295 क्या बोल रहा है कि कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारने के रूप में काम करता है। वैसा ही सवाल आ गया कि कैसे काम करता है, थोड़ा घुमा के पूछ दिया। तो क्या इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर आपको बी देखने के लिए मिलेगा। ये मतलब वायरिंग द फील्ड एक्साइटेशन, फील्ड एक्साइटेशन मतलब रोटर को वायरी करके, देखो वहाँ पे जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा करेंगे आप, तो यहाँ पे वायरिंग द एक्साइटेशन, एक्साइटेशन को वायरी करेंगे तो ये आपका वर्क करेगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर आपका क्या था, सिंक्रोनस जनरेटर एंड MG सेट। MG सेट का सवाल था बाबू, ये देखो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हुआ था, देखो यहाँ पे देख सकते हो 278 से और लास्ट हो गया था 295। आप देख सकते हो भारत स्किल का PDF है, ये NEMI का PDF है, और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा जहाँ से आप ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे और पढ़िए, क्योंकि देखो नंबर लाना बहुत ज़रूरी होता है, समझ गए। बहुत सारा ऐसा फॉर्म आता है जहाँ पे आपको लिख देगा कि 75% रहेगा ITI में तो ही उस फॉर्म को भर पाएंगे आप, अगर यहाँ से अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका आ ही जाएगा, समझ गए, आ जाएगा उतना नंबर। और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।